आपको बहुत बहुत मुबारकबाद भी दूंगा और उनका शुक्रिया भी दूंगा कि वो इस तरह से बहुत ही एक बेलोस काम करते रहते हैं। बख्शी साहब की भी उन्होंने किताब निकाली थी और बहुत अच्छी तरह से निकाली थी, और अब मजरू साहब की किताब के लिए उन्होंने जितनी मेहनत और जितनी जतन किए हैं वो मैं जानता हूँ। ये हम लोगों का तो कुछ ऐसा होता है कि आँख ओझल पहाड़ ओझल, जब है इंसान तो उसकी कदर भी करते हैं, ज़रूरत भी होती है उसकी, लेकिन जब वो नहीं है तो आमतौर से उसका जो मुकाम है हम भूल जाते हैं। मजरूर साहब की किताब तो निकलनी ही चाहिए थी और ये बहुत ज़रूरी था और बहुत उम्दा काम इन्होंने किया है, मैं उन्हें बधाई देता हूँ। ये देखिए शो बिजनेस है और इसमें वक्त के साथ हर 6-7-8 साल में ट्रेंड बदलते हैं, ज़बान बदलती है, स्टाइल बदलता है, मजाक बदलता है, जो ऑडियंस है वो बदल जाती है। इसलिए कि वैसे जनरेशन चेंज होती है 15 साल में 20 साल में, लेकिन फिल्म की जनरेशन 7-8 साल में बदल जाती है। उसमें 55 बरस तक क्रिएटिव काम में अपने आप को रेलेवेंट रखना, अपने आप को जिंदा रखना और लोगों तक अपना लोहा मनवाते रहना आसान काम नहीं है। देखिए गुस्ताखी माफ, यहाँ कुछ एक्टर्स भी बैठे हैं और कुछ सिंगर्स भी बैठे हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं, और यहाँ भी हमने एक डांसर भी देखी, कुछ काम होते हैं कि आप जितना उन्हें करते हैं वो आसान होते जाते हैं। जितना आप एक्टिंग करेंगे और जितना आपको एक्टिंग का तजुर्बा होगा उतना आप में सहूलत पैदा होगी काम की, जितना आप गाएंगे उतना आपका गला मचेगा, जितना आप डांस करेंगे उतना आपके जिस्म को लोच मिलेगा। लेकिन ये राइटर का काम बड़ा झंझट का होता है, ये तो अपने को खाली करना होता है, वो जितना करता जाता है काम करना उतना मुश्किल होता जाता है। तो 55 बरस तक ये कौन सा समंदर था कि हर बार जब आपने डाला उसमें घड़ा तो भरा ही निकला और सके वही तो वही, ये मामूली बात नहीं है। वरना हम जो है हम लोग सब देखते हैं हर शोबे में, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे राइटर हो, चाहे एक्टर हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे म्यूजिक डायरेक्टर हो, एक फुलझड़ी छूटती है और हर आदमी उसके पीछे पागल हो जाता है। फिर 2 बरस बाद 2.5 बरस बाद वो कहाँ गए भाई साहब, उनका कुछ पता नहीं होता। इसलिए कि यहाँ बड़ी फिसलन है, कब पैर फिसल जाए ठिकाना नहीं है। उसमें इतने बरस तक रेलेवेंट रहना और किस्सा मजरू साहब का वो उससे भी ज्यादा मुश्किल है, हम आपके लिए फिर भी आसान है। इसलिए कि वो तो कोई जो वो हो ही नहीं सकता कि जो बात उनके दिल में हो वो उनके जबान पे ना, वो नुकसान होता है हो जाए, तालुक खराब होते हो जाए, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, जो सच बात है वो करते थे, खतरनाक हद तक, मतलब उनके वो तो छोड़िए उनके आसपास जो लोग बैठे होते थे कभी कभी वो भी डर जाते थे कि ये जो कह रहे हैं तो गवाही में हमें ना बुला लिया जाए। मगर उतना ही सच्चा दिल, उसी सच्चे दिल से तारीफ भी, चाहे उनका जूनियर हो चाहे उनका हमसर हो, लोगों के दिल बड़े छोटे होते हैं, उनसे तारीफ भी नहीं निकलती, वो हर बात सच्ची। और एक अजीब बात बताऊं, मैंने राइटर देखे हैं प्रोज के लिए पोइट्री के लिए, ये दो तरह के होते हैं। जैसे कृष्णचंद जी थे, बहुत बड़े नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर, मैंने उनकी मैनोस्क्रिप्ट देखी है तो 80-80 पेज आप पलटते जाइए एक वर्ड कटा हुआ नहीं, मतलब एक आदमी ऐसे लिख जा रहा है और एक सुनामी की तरह लब बहते चले आ रहे हैं। वो आदमी पर्सनल लाइफ में 3 जुमले एक साथ नहीं बोल सकते, वो अटक के नहीं, मेरा मतलब ये था ये कर, उनको आर्टिकुलेशन ही नहीं था। उसके मुकाबले में अगर दूसरी राइटर थी इसमें चुगताई, वो जैसे लिखती थी वैसे बोलती थी, ऐसा लगता है आप उतारना पड़ी होंगे तो लगे वो बोल रही है, एक होगी होते। तरह तरह के राइटर होते हैं, जैसे आप साहिल की जो पोएट्री पढ़ेंगे वो वही है जो उनके गाने उसी तरह की है। मजरू साहब का मजरू साहब इस मामले में बिल्कुल तीसरे आदमी है। मजरू साहब की शायरी का डिक्शन, उनका स्टाइल, उनका मिजाज एक है, वो एक
यूँ कहिए कि उर्दू फारसी का और सियासत को और समाजियात को समझने वाला आदमी, जिंदगी को समझने वाला आदमी एक स्कॉलर, ये उसकी लिखी हुई शायरी है। दूसरी तरफ जब हम गाने की तरफ जाते हैं तो वो सुल्तानपुर का एक खिलंदरा लड़का है या फिर एक शरीर नौजवान, ये इन दोनों का आपस में वास्ते नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं वोकैबुलरी में, स्टाइल में, अनबिलीवेबल। और आप लोग जैसे वाकिफ होंगे कि हमारे यहाँ आमतौर से ट्यून पहले बनती है, उस पर गाने लिखे जाते हैं, जो कैफी साहब के अल्फाज में यूँ कहूँ कि खबर पहले खोद ली जाती है फिर मुर्दा ढूंढा जाता है, कि खबर मुर्दा मुर्दा खबर में फिटाना चाहिए। तो ये हमारे गाने आमतौर से ट्यून पे होते हैं। अच्छा, ये भी एक हुनर है, मजाक अपनी जगह, जिन्हें आता है उन्हें आता, जिन्हें नहीं आता नहीं आता। बहुत बड़े बड़े शहर में नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, वो दूसरे शहरों से, यूपी से, दिल्ली से आए बड़े शहर, गाना नहीं लिख सके धुन पे, इसलिए कि ये धुनें जो होती हैं, जो सारी हमारी पोइट्री है वो 12 से 14 मीटर है जिनमें है वो पोइट्री। यहाँ तो हर गाने की अपना मीटर होता है, अपने टुकड़े होते हैं कि कहाँ से कहाँ ट्यून जाएगी कोई ठिकाना नहीं है। उस पे गाना लिखना जो ग्रामेटिकली सही हो, जो जज्बात उसके सही हो, उसमें इधार हो और बात हो कोई, ये आसान काम नहीं है। ये आप समझे ना, गाना हम सुनते हैं अरे भाई ये तो ऐसे ऐसे नहीं होता, अच्छा रहा, बुरा तो कोई भी काम आसानी से होता है, चाहे पूरी गजल लिखे, पूरी नत लिखे, पूरी नॉवल लिखे, पूरी फिल्म बनाए, कोई पूरी एक्टिंग करे, कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन अच्छा करना मुश्किल काम। सोचिए ये मुझे ऐसा लगता है कि आप झूठ बोल रहे हो, गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल ये ना जाना, कौन सहल जा रहा है, दुनिया बदलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है, कौन कौन से दौर आ रहे हैं, कौन कौन से दौर जा रहे हैं, और आज मैं ऊपर आसमान नीचे, टलमी ओ खुदा, वो एक शायर है चढ़ा रहा है आसमान तक, 55 साल ये नंबर है, उसके पीछे आप ये देखिए कि ट्रेंड्स क्या है, समान क्या है, म्यूजिक क्या हो गई है, कहाँ बदली है, कौन लोग आए हैं, क्या हो गया है दुनिया में, ये दूसरी दुनिया है, ये दुनिया वो ही नहीं जो सहगल की थी। और एक शायर है जिसका वार हल्का पढ़ ही नहीं रहा है, और अगर आप उनके गाने गौर से सुनिए तो लाइट से लाइट सॉन्ग जो होगा उसमें भी आपको दिख जाता है कि ये लाइट सॉन्ग लिखा है, ये हल्का रोमांटिक गाना लिखा है, लिखा उस्ताद ने, खुल के ये जुल्फ सियाह काली भला हो जाए, कोई लिख नहीं सकता इतना, आज लिख नहीं सकता, खुल के ये जुल्फ सियाह काली भला हो जाए, ये कहां से लाइन आए हैं, माना क्या है गहरा अंधेरा, हो गई डगर की चांदनी, मैली ना हो धुंधली पड़े ना, देख नजर की चांदनी, अरे बाप है, डाले हुए है रात की चादर, सितारों की मंजिल राही, अरे क्या कितने मिसरे हैं जो इसे बेसाख्ता निकलते हैं, जिनमें बहुत समान है और रचाओ है जबान, जो एक सही शायर का जब दिल चाह रहा है यूँ लिखता हूँ तब लिख सकता है, ऐसा नहीं है जैसे किसी ने बताया पिकासो के स्टूडियो में कुछ स्टूडेंट गए आर्ट के, तो उन्होंने पिकासो की दीवार पे पेंटिंग देखी तो लाइनें आड़ी टेढ़ी जैसी ये वो, तो उनमें से एक स्टूडेंट जरा ज़्यादा स्मार्ट था, कह साहब ऐसी तो हम भी बना सकते हैं, इसमें क्या मुश्किल है, अच्छा प्रकाशन का इधारा, कागज लिया सफेद, दोनों हाथों में एक एक पेंसिल ली और यूं करके दो दायरे बनाए, उसने कहा ये प्रकार से नाप लो ये दायरे परफेक्ट है दोनों, जिस दिन ऐसे दायरे बनाने आ जाए उस दिन लाइन तोड़ना। ये तो वो इतना बड़ा शायर, ऐसी जबान, अच्छा और फूक में जो कंट्रोल, मतलब आजकल तो हमारा क्या हो गया है,
अर्बन सेंसिबिलिटी तो आ गई, वहां हमारा जमीन से संबंध खत्म हो गया। ढलकी जाए चुनरिया हमारी और राम पी से मिलके पहचने के दिन आए। मतलब इसमें अवध की जमीन बोल रही है, ये रेंज कहाँ है, ये शऊर कहाँ है कि जब ऐसा लिखना है तो ऐसा लिखते हैं, जब वैसा लिखना है तो वैसा लिखते हैं। और फिर किसी म्यूजिक डायरेक्टर से बात करो, यहाँ मुझसे बेचार बताएंगे रविंद्र, ये हो नहीं सकता। आशा जी हमेशा जिक्र करती रहती है, इसलिए उन्होंने तो बहुत गाने गाए मजरूर साहब, कि जो धुन है उस पर ऐसे वर्ड लिपट के जा रहा है कि उसकी कोई मीट कोई मुर्गी डिस्टर्ब नहीं होने पाए। वो लव उसके लिए ऐसा लगता है कि ये धुन इन्हीं लफ्जों के लिए बनी थी। इतना परफेक्ट क्राफ्ट हर म्यूजिक डायरेक्टर उनकी मिसाल देता है कि और सिंगर कि उनको जो उबूर था ट्यून की बारीकी, ट्यून तो आया नहीं, ये मीटर इतना मीटर ये काफी नहीं, उसके अंदर कहाँ धुन घूमी है, कहाँ मीट आ गई है, कहाँ मुर्गी है। तो लफ्ज ऐसा है कि उस पर पूरा ऐसे ही घूमते हुए जाए लफ्ज कि कहीं पता ना चले कि कोई चीज दब गई धुन की, वो कंट्रोल होता था। मैं तो बहुत अपने को खुशकिस्मत समझता हूँ कि इस तरह के लोगों से मेरा जिंदगी में ऐसा वास्ता रहा कि उन्होंने मुझे याद की अपने पास बैठने की सुनने की। वो मजरू साहब हों, कैफी साहब हों, साहिर साहब हों, सरदार जाफरी साहब हों, अपना हाँ वो थे, मगर बैठने की इजाजत कहाँ देते थे। बंद हो गया, अब आए हो तो वो आए जो है उसने बेल को हिला लिया। कि ऐसी कितनी बातें मैं कही सब तो नहीं बता दूंगा मैं ना आपको बचा के। हाँ एक बता दिया अब आप तरसिए। तो ऐसी कितनी बातें यकीन कीजिए जो मुझे अभी याद भी आ रही है, लेकिन कितना आगे हो सुनिए। आज तो यह हल हो गया है, लिख रहे होते हैं हम, कभी कंफ्यूजन होता है किसी लफ्ज के बारे में, कभी कि किसी से पूछे तो कोई है नहीं। मतलब हम तो अभी होता था तो फोन करके पूछ सकते थे कैफी साहब से, जाफरी साहब से, मजरूर साहब से, और पूछा है मैंने मजरूर साहब मैं ऐसे लिख रहा हूँ जायज है, और उन्होंने मुझे सही राय की, मैंने देखो बेटा ये गड़बड़ है बाकी यूँ ठीक कर लो। कई बार हुआ है जाफरी साहब को फोन होकर दिखाया मैंने कि मीटर आपको करेक्ट लगता है, ये अनयूजुअल है इस तरह से। कैफी साहब से तो पता नहीं कितनी बार। आज अगर मैं किसी इशू पे कंफ्यूज होता हूँ लिखते हुए पोइट्री में, तो देने दो बड़े कोई आदमी है नहीं अब हमारे मुल्क में कहीं कि मैं उसे फ़ोन करके पूछूँ कि ये लफ्ज़ सही है इस्तेमाल या जायज है कि ना जायज। ये लोग थे समझिए एक आबशार है, एक झरना नॉलेज का, आप जिसके नीचे बैठे हुए गिरे चला जा रहा है, कमी नहीं हो रहा। तो ये और आप वो मैं एक बात कहता हूँ कि आप 50 बरस के और आप जो तमाम खूबियाँ हैं जो एक 50 बरस के आदमी में होनी चाहिए, तो माफ़ कीजिएगा आप 1 बरस के हैं जो इत्तेफाक से 50वां है। अगर आप सचमुच 50 साल के होना चाहते हैं तो फिर आपने 15 साल का लड़का, 30 साल का आदमी, 45 साल का मैच्योर्ड आदमी, वो सब जिंदा होने चाहिए। मजरूर साहब ने अपनी शायरी से और अपने गीत से बताया कि वो जितने साल के थे उन तमाम सालों के वो जिंदा थे, तमाम वर्षों में जिंदा। ये मैं तो बोलता ही चला जाऊँगा थोड़ा नहीं, लेकिन ये कि बहरहाल ये है सच्ची बात तो ये है कि अब ऐसे लोग होंगे नहीं, अब हमसे ही काम चला गया। मुझे जी आपने मजू साहब की किताब लिखी जब उन्होंने कहा ही मुझे तो मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि मजू साहब की ज़्यादा जो किताबें हैं वो उर्दू में लिखी हुई हैं और उर्दू सबको तो नहीं आती। तो मैंने अभी पूछा था दिलीप से कि हिंदी में कोई है जिसमें बुक है जो जिसमें मजू साहब के बारे में पढ़ा जाए, तो मुझे लगता है ये पहली किताब आएगी हाथ में जिसको पढ़ सकेंगे लोग और समझ सकेंगे मजरू साहब के बारे में।
मजू साहब के बारे में क्या बोल सकते हैं? मजू साहब एक महान राइटर होने के अलावा बहुत ही खूबसूरत इंसान थे, और यही बात काफ़ी है कि उनसे जब मुलाकात होती थी, जब उनके साथ बैठने का मौका मिलता था, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिल जाता था। मजू साहब के साथ 1990 से 2000 तक मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा कि सबसे ज़्यादा जो फिल्में की इस दौर में वो जतिन ललित ने की थी। हमने शुरुआत ही मजू साहब से की थी, पहली फिल्म से, उसके सारे गाने हिट हुए थे और कंसिस्टेंटली बिन तेरे सनम जो था वो लाइफ का पहला हिट गाना था हमारा, पहले पिक्चर का, वो मजू साहब का लिखा हुआ था। और उस गाने की वजह से मुझे यही कहना पड़ेगा कि कभी स्ट्रगल ही नहीं करना पड़ा, इतनी सारी पिक्चरें आ गई थी उस गाने के हिट होने से। और उनमें मजू साहब का हमेशा साथ रहा, हम बहुत इंजॉय करते थे मजू साहब के साथ काम करने के लिए। और मजू साहब के साथ कई ऐसे किस्से हैं, जैसे जावेद साहब ने बात की आज मैं ऊपर आसमां नीचे, इस गाने से मुझे एक किस्सा याद आ गया उनका, जो मैं कभी पहले शेयर नहीं किया लेकिन ज़रूर आज कहूँगा। हुआ यूँ था कि हम लोग पिक्चर कर रहे थे मोहब्बतें, और यश जी के घर पर फाइनल सिटिंग हो रही थी हमारी और नेक्स्ट डे गाना रिकॉर्ड होना था। तो आनंद बख्शी साहब बैठे थे और यश जी बैठे थे और पूरी सिटिंग हो गई हमारी, हम सब पैक कर रहे थे वहाँ से, जतिन, मैं और हमारे असिस्टेंट्स। तो यश जी आनंद बख्शी साहब को पंजाबी में बोल रहे थे कि ऐसा आस्ते आस्ते सुनाई दे रहा था, पंजाबी मतलब समझना तो आसान होता है बड़ा। वो बोल रहे थे कि गाना लिखा है मजू ने, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, पूरा उनको मुखला बोल रहे थे। और बख्शी साहब पीते पीते सुन रहे थे कि मजू साहब की तारीफ कर रहे हैं। तो मैं पैक कर रहा था, मैं बोला था यार इतना अच्छा गाना बनाया मजू साहब, जब देखते थे तो अक्सर मीनिंग पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती थी, वो इतने बुरी थी कि उनसे ना पूछने की हिम्मत होती थी ना ज़रूरत पड़ती थी। जब गाना निकलता था बाहर तो उनकी तारीफ ही मिलती थी, तो समझ जाते थे कि बहुत अच्छा है। और इतना नॉलेज भी नहीं था, मजू साहब का नॉलेज और हमारा नॉलेज तो एक अलग चीज़ हो जाती, तो एक कॉन्फिडेंस था कि ये जो लिखेंगे ये सही होगा। और सबसे अच्छी बात थी कि वो हम पहले कंपोज करते थे फिर उन पर लिखते थे, तो हमेशा मीटर जो होता था उस पर ध्यान देना होता था, क्योंकि वो उसमें परफेक्ट थे। वैसा राइटर ही हमने नहीं देखा जो इतनी परफेक्शन से गाने के ट्यून में लिख देते थे। एनीवेज, तो मैंने ये बात कान में आ गई कि मजू साहब की तारीफ कर रहे हैं यश जी आनंद बख्शी को, तो मैं सोचा क्या लिखते हैं मजू साहब ने इतना अच्छा, कि गाने का कि ट्यून के बारे में बात की और उनकी लिखावट के बारे में बात हो रही है, क्योंकि उन्होंने तो गाना बाद में लिखा था। मैं घर पे गया तो मेरी वाइफ को बोला जरा गाना लगाना, वो क्या लिखते हैं मजू साहब ने कि यश जी इतनी तारीफ कर रहे हैं। फिर मैंने उस पर ध्यान दिया कि उन्होंने क्या वर्ड्स लिखे थे, और जब तक आप यकीन मानिए पहले मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था कि मजू साहब ने क्या लिख दिया था, मगर वो गाने के वर्ड्स मतलब उनमें ये कैपेसिटी थी कि कोई बहुत अच्छी धुन मिलती थी तो उनको एक तो ये परख थी कि अच्छी धुन है जो वो उसको किस लेवल तक वो लेके जा सकते थे। ये बहुत ऐसा नहीं हो सकता है पॉसिबल ऑलवेज कि आप हिट ही दें, मगर मजू साहब ऐसे आदमी थे कि उनको अगर धुन परफेक्ट मिल जाए उनको लग जाए कि नहीं ये धुन में बात है, तो वो फिर उसको उस गाने को पार ही लगा देते थे। ये ऐसी कैपेसिटी के इंसान है। तो जैसे कि पहला नशा गाना है, उन्होंने वो सुनते ही उनको लगा था कि नहीं ये गाने में बहुत अच्छी बात है, और फिर उन्होंने ऐसा लिखा उसको कि वो गाना हमारे करियर का बेस्ट गाना हुआ मुझे लगता है वो। और ऐसे कई किस्से हैं मजू साहब के, हर गाने में जब बैठते थे तो उनसे बड़ा सीखने को मिलता था। इनफैक्ट जब मैं शुरू हुआ था मजू साहब के साथ तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि मजू साहब कितने बड़े राइटर ने क्या क्या उन्होंने लिखा है। ये हमारी सिस्टर थी सुलक्षणा, उनके वो थोड़ा गाइड करती थी इनिशियली, तो उन्होंने कहा कि उनके यही वर्ड थे कि मजू साहब को पकड़ो वो फ्री बैठे हैं उनके साथ काम करो, क्योंकि वो काम कर चुकी थी, वो गाती थी, तो उनको नॉलेज था उस चीज़ का। इनफैक्ट हम जब पहली बार मजू साहब के पास गए थे गान काम करने के लिए, तो उनके घर पर गए तो अम्मी जी ने उनको बुलाया कि कोई आए हैं दो लड़के आपसे मिलने। तो मजू साहब बड़े फॉर्मली अपने घर पे जैसे कुर्ता और मलमल का पहना था निकले बाहर, कौन है भाई? तो हमने बोला जतिन ललित हैं, और उनसे मिले बात किए थोड़ा, तो बड़े नाराज बैठे थे उस टाइम पर, और बोले हमने तो हमारे से तो कोई काम नहीं करता, हमसे तो सब डरते हैं, तुम क्यों आ गए हमसे काम करने? तो मैं बोला हम लोग ने बोला कि नहीं हम आपसे करना चाहते हैं, आप हमारे साथ जुड़िए तो हमारा अच्छा नसीब होगा। अच्छा, तो उन्होंने पता किया कि कौन से घर से हैं और क्या है सब, तो बोले अच्छा नहीं तुम्हारे साथ करूँगा मैं।
और उसके बाद अलग ये हुआ कि जब उन्होंने काम शुरू किया हमारे साथ, तो उस टाइम तक तो उन्होंने मुझे ये कहा था, अच्छा देखिए मैंने 13 साल से काम नहीं किया, इतना पता नहीं वक्त कैसे गुजरा या क्या हुआ, मगर उन्होंने हमारे साथ काम शुरू किया। उसके बाद लगातार उनके हिट गाने, कभी हाँ कभी ना, जो जीता वही सिकंदर, खामोशी, और पहला ही गाना बिग तेरे सनम बहुत, तो फिर वो हिट का शुरू हो गया। फिर एक दिन वो म्यूजिक रूम में आके बोलते हैं कि भैया अब हमसे इतना काम नहीं होगा, जो देखो हमसे गाना लिखाना चाह रहा है, हमें सबके साथ काम नहीं करना। और क्योंकि बाकी सब फिर लग गए मजू साहब के साथ काम करने, और जो और भी म्यूजिक डायरेक्टर्स थे उस टाइम पे, वो उनको पकड़ने लगे कि भैया हमारे साथ भी काम करिए, हमारे साथ भी काम करिए। तो बोलते मुझे तुम्हारे साथ ही मजा आता है बस, मैं और इतना कर नहीं सकता और इतना करना भी नहीं चाहता। तो बहुत सारी यादें हैं, बहुत उससे सीखने का मौका ही मिला। और जैसा कि जावेद साहब ने कहा कि मैंने तो बहुत एंड में उनके साथ काम किया लेट, मगर मैंने जब उनको जो जो बातें उनसे सीख ली, जो उनको समझ लिया, मैं ऐसा लगता था कि वो किसी और ही दुनिया के इंसान हैं। जब म्यूजिक ग्रुप में आते थे स्टूडियो में, तो ऐसा लगता था कि एक रोशनी चली आ रही है, इतने वो तैयार होते और विजडम से भरे इंसान थे। इनफैक्ट आपको मैं बताऊँ, कितने लोगों को पता है मुझे पता नहीं, मगर एक दिन हम मजू साहब के घर पर गए थे गाना चेक करने, मैं और जति दिनों, तो बड़े एकदम परेशान, बड़ी बड़ी बुकों में खोए हुए थे। बोले मजू साहब क्या कर रहे हैं? तो बोले देखिए ये पाकिस्तान की बुकें हैं, बुक्स हैं, जिनको मैं करेक्ट करूँगा तो वहाँ सिलेबस में इनके स्कूल में सिखाई जाएगी, वहाँ से ये करेक्शन के लिए आती थी। पाकिस्तान में जो स्कूल में कॉलेज में सिखाते थे, वो मजू साहब यहाँ करेक्शन करते थे, तब जाके वो प्रिंट होती थी और वहाँ सिखाया जाता था। काश पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी अपनी स्पीच करेक्शन के लिए चल रही थी उस टाइम, तो जावेद साहब बोलते थे अच्छा शाम को मजबूर आ रहे हैं ना आपके पास, तो आप एक काम कीजिएगा, आपका आपकी जब सिटिंग खत्म हो रही होगी तो उसके 15 मिनट पहले मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, तो मैं भी आ जाऊँगा, थोड़ा मजबूर साहब से बात करके मजा करेंगे। तो जावेद साहब आ जाते थे सिटिंग रूम में, और फिर जो हंगामा होता था, क्योंकि मजबूर साहब जो देखते थे मुझे छेड़ रहे हैं ये, अच्छा जावेद साहब कुछ पूछते रहते थे, और इतनी मज़े की सेशन होती है ठीक है। वैसे तो जावेद साहब के साथ ही खूब मज़े की सेशन होती है, मगर जब मजू साहब के साथ ये मिलते थे और जो बातें होती थी, वो एक लाइफ का एक्सपीरियंस है जो मैं कभी नहीं भूलूंगा और जिसको मैं बहुत चेरिश करूंगा। सब छोटे थे तो बर्थडे होता था उनका, तो इनवाइट करती तो अब्बा हम सबको ले जाते थे, और वहाँ ओबेरॉय शेल्टर में एक स्वीट बुक करती थी वो, और लिमिटेड फैमिलीज रहते थे, जैसे उनके सारे भाई बहन और भाई बहनों की फैमिली, और पंडित नरेंद्र शर्मा थे उनकी फैमिली, और उनके साथ वो पद्मा जी थी, वो पद्मा सचदेव, और हम लोग, और फिर वही रूम में बुफे लगता था, केक कटता था, बहुत अच्छा लगता, वही सब यादें। तो अपनी लता आंटी का बर्थडे था तो वही याद था, और हम एक अब्बा का शेर सुना देते हैं। मुझे सहल हो गई मंजिलें, वो हवा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया कि चराग राह में जल गए, वो लजाए मेरे सवाल पे कि उठा सके ना झुका के सर, उड़ी जुल्फ चेहरे पे इस तरह के शबों के राज में चल गए। और मेरी पैदाइश 61 की है, 61। तो जब मुझे होश आया 14-15 साल, दैट वॉज मिड 70s और 70s, तो आई मिस्ड हिज जर्नी, द मेजर जर्नी बिटवीन 40 to 70s, 50s जो है। और जितना मतलब जावेद साहब के सामने टॉकिंग अबाउट हिम एज अ पर्सन आई बी ए फूल, लाइक द लिटरली साइड ऑफ इट, बिकॉज हमारे साथ वो कभी मजरू सुल्तान पूरी थे ही नहीं, हमारे लिए वो अब्बा थे। उन्होंने कभी अपने आप को ये महसूस ही नहीं कराया घर में कि मैं एक शायर या गीतकार हूँ और मैं मजरू हूँ। उन्होंने मुझे सबको सिर्फ, जैसे इन्होंने भी एक किस्सा सुनाया, वो एक घर की फैमिली गेट टुगेदर का किस्सा सुनाया, उनकी तारीफ में कुछ नहीं था, क्योंकि हमने कभी उस लेवल पर हम गए ही नहीं हम उनकी तरफ। वो हमेशा हमको एक हर किसी के, जब घर के जो फादर फिगर होते हैं जहाँ बच्चों के लिए, वो हमारे लिए वही थे। वो उनके जाने के बाद जब हमको होश आ रहा है
और आया कि थोड़ा बहुत हम समझने लगे दूसरों की वजह से, तो हम समझे कि यार कितने बदकिस्मत हैं हम कि उनके साथ रह के उनको नहीं समझ पाए. दैट इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग. बट देन द पॉजिटिव टू इट इज कि हर शायर थोड़ा बहुत जो मुझे समझ है कि बदनाम रहता है कि जो शायर है फिर वो घर का नहीं है. लेकिन अब्बा एक ऐसे शख्स थे जो शायर भी थे, गीतकार भी थे और घर के अब्बा भी थे. कुछ कंसोल्स हमको कि हम नहीं सीखे तो क्या, लेकिन अब हमको जो समझ में आती है, जैसे एंड जस्ट कंटिन्यू जो जावेद साहब ने कहा था कि मीटर पे लिखना कुछ मजाक नहीं है, तो अभी मीटर पे लिखना का एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. जो फिल्म थी तीसरी मंजिल का गाना है, दूसरे गानों के मुकाबले में वो इतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन फिल्म में उसको एंजॉय करते थे लोग. अब वो मीटर दिया गया, ट्यून दिया गया, ट्यून क्या दी गई, डा 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 डा, ये मिलता था. बोल बोल नहीं मिलते थे अक्सर, और जो बोल मिलते थे, जैसे एक था पंचम भाई का गाना था चाइना गेट चाइना गेट, ओ मेरे चाइना गेट चाइना गेट, ओ चाइना 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 गेट. अब इसको ओ मेरे दिल के चैन चैन. तो दिस वाज द थिंग हाउ दिस लिरिक्स इज राइट. तो डा 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 पे लिखा गया, अब उस पर क्या लफ्ज आया उस पर, देखिए साहिबो वो कोई और थी और ये नाजनी है मेरी, मैं इन पे मरता हूँ. जैसे उसको पकड़ना पड़ता है जो मीटर तो स्ट्रेट होता है. देखिए साहिबो, दिस इज द साहिब, दिस इज द ब्रेकिंग ऑफ इट. करेक्ट करेक्ट, दैट वाज अमेजिंग. सो हियरिंग ऑल दिस, फिर वही आदमी ये भी लिखता जाने जाने कहा मेरा जिगर गया जी. फिर उनका एक दूसरा हिस्सा था जिसमें मैं बिल्कुल ही जीरो हूँ, वो इनके मुकाबले कुछ नहीं. लेकिन मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती तो बता दू कि वो ये भी लिखते हैं कि देख जिंदा से परे रंगे चमन जोशे बहार, रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर रख. और आगे बढ़ते बोलते हैं कि रोक सकता हमें जिंदा ने बला क्या मजरू, हम तो आवाज ही दीवार से छन जाते हैं. सो दिस वाज माय फादर, अ वेरी पॉजिटिव पर्सन. एंड एज जावेद साहब पुट इट कि ऐसे लोग नहीं आने वाले. थैंक यू सर. जिस महफिल में जावेद अख्तर साहब हो उस महफिल में जुबान खोलने की जरूरत नहीं होती जी. मगर क्या करें, जावेद साहब जिस जमाने में है उस जमाने में हमने भी पैदा होने का जुर्म कर ही दिया है. मैं सभी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तमाम मेहमानों का जो यहाँ पे तशरीफ लाए हैं. सबसे पहले तो जावेद अख्तर साहब का, शबाना जी, सभी का, अंदरीब साहब अपने राजकमल प्रकाशन के, अशोक महेश्वरी साहब, शैलेंद्र साहब, सब जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, कमलजीत साहब जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, उनसे मैं ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ. मैं मजरूह साहब को जानता हूँ, मैंने मजरू साहब की किताबें पढ़ी हैं, मैंने मजरू साहब के गीत सुने हैं, मैंने मजरू साहब का मुशायरा पढ़ा है, मुशायरा सुना है. एक दिन मजरू साहब को मैंने कांधा भी दिया है. मैं जानता हूँ मजरू साहब को, और जानता हूँ जब ये कह सकता हूँ कि जो मजरू को नहीं जानते वो हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को भी नहीं जानते. जैसा कि जावेद साहब ने अभी कहा कि उन्होंने 1948 की फिल्म शाहजहां से शुरुआत की थी, गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल ये न जाना, हाय हाय रे जालिम ज़माना. मजरूह साहब को अदब ने, बल्कि कहें कि मजरूह साहब अदब के फेर में आ गए थे, और
शायरी से उनकी आशनाई हो गई थी। अगर वो लिख रहे हैं कि हुस्ने जाना इधर आ, आईना हूं मैं तेरा, मैं संवारूंगा तुझे सारे गम, दे दे मुझे, तो वो अपनी शायरी से गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर वो कहते हैं कि महबूब मेरे तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है, अरमा किसको जन्नत की रंगी गलियों का, मुझको तेरा दामन है बिस्तर गलियों का, वाह भाई वाह। ये अपनी महबूबा से शायरी से गुफ्तगू कर रहे हैं। मजनू साहब ने इतना इश्क किया शायरी से ना, कि अगर आप चाहें तो मजनू साहब का 3 मिनट का गाना सुन लें या 3 घंटे की वो फिल्म देख लें जिसमें ये गाना है, आपको पूरी फिल्म की कहानी समझ में आ जाएगी। जैसे मिसालें कई हैं, जैसे कि इस अनोखे जगत की मैं तकदीर हूँ, ये क्या वैल्यू है इस लाइन का, इस अनोखे जगत की मैं तकदीर हूँ, मैं विधाता के हाथों की तस्वीर हूँ, इस जहां के लिए धरती माँ के लिए शिव का वरदान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जिसने सबको रचा अपने ही रूप से उसकी पहचान हूँ। तो चाहे आप दोस्ती फिल्म देख लीजिए या इस गाने को सुन लीजिए, पूरी फिल्म दिखाई पड़ जाएगी। मैं उस वक्त तो नहीं था बंबई में, और नासिर हुसैन साहब खुद कितने बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि नासिर हुसैन साहब ने मजरू साहब को ये कहा होगा जो मजरू ने लिखा है। उन्होंने तो यही कहा होगा कि भाई देखिए शम्मी कपूर साहब की और आशा पारेख की है, जो वो कहीं फंस गए हैं रात को, और सुबह जब आँख खुलती है तो आशा पारेख बहुत अच्छा एक समा बंधता है, कोई कश्मीर या खंडाला है, और आशा पारेख आगे हैं और शम्मी कपूर पीछे हैं, भाई एक दिल फरेब गाना लिख दीजिए, एक आशिक मिजाजी वाला गाना लिख दीजिए। ये तो नहीं कहा होगा ना कि दीवाना मुस्सा नहीं इस अंबर के नीचे, खातिल है आगे है खातिल मेरा और मैं पीछे पीछे, तो क्या वैल्यू निकलता है इसका कि मेरे खातिल मैं तुम्हारे जस्ट पीछे हूं, जरा एक नजर तो देख ले, मुझे कत्ल कर दे, मुझे मार दे और मुझे इस तरह की जिंदगी दे दे, ये मतलब उसका निकल रहा है। मजनू साहब ने जैसा कि जावेद साहब ने कहा कि आंचलिक रन जो फोक है उसमें बड़े गजब गजब के गीत लिखे, आज जावेद साहब भूल गए, वरना जावेद साहब का एक जुमला है कि मजरू वो थे जिन्हें सावन और भादो के बीच का फर्क मालूम था। जैसे मैं तो ये चाहता हूं कि मैं ये चाहता हूं कि काश उस जमाने में मजरू साहब से जो कुछ 5-7 भोजपुरी फिल्में की हैं, कैसे कैसे रंग उसमें भरे हैं। रखिया बंधाला भैया सावन आए, क्या गाना है, कैसा गाना है वो, या फिर अगर हिंदी फिल्म में ही है तो हम गबनवा न चलवे बिना झूलनी, वो कैसा गाना है। सजनवा ये जो अंदाज है बोलने का, मतलबवा ये मजरू साहब ने, जी जी जी, जब तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, अच्छा ललित साहब यहाँ पे बहुत बड़े आरडी बर्मन के फैन हैं, मैं एक बात कहने की इजाजत चाहता हूँ, और वो ये है कि एक जो 1973 की जावेद साहब की फिल्म यादों की बारात है, उसको क्रिटिक्स एक ग्रैंड म्यूजिकल सागा समझते हैं, मैं तो खैर उसको लिरिकल भी सागा समझता हूँ। उसमें अभी देखिए इस फंक्शन में राजेश रोशन साहब आने वाले थे जो किसी वजह से नहीं आए, उनका जुमला है कि मजरू साहब संगीतकारों को हरा देते थे, तो और वो दावे के साथ ही बात कह रहे हैं कि न सिर्फ मेरे साथ बल्कि रोशन साहब के साथ भी मैंने कई दफा ये देखा है। अब अगर मैं सोचता हूं इस बात को और 1973 की फिल्म यादों की बारात की बात करता हूँ, जिसमें वो गाना है कि वो जो टुकड़ा है
हम मिल गए तो दा 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 जु 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 रा 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 रा। अब ये जुजु जुजु जो है उसको छोड़ा जा सकता था, बहुत अच्छा लग रहा है जुजु जुजु वेस्टर्न है, लेकिन यही मजरूह साहब की का चैलेंज था। उन्होंने इसको कहा कि ठहरिए, मैं मीर तकी मीर की जुबान का इस्तेमाल करता हूँ, जु 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 कबू कबू यानी कभी कभी। ये तो ऐसा लगता है ना कि म्यूजिक का और लिरिक्स का एक ऐसा वक्त है जैसे जहां पे सबसे सुंदर गाना हुआ जी। अब मजनू साहब की तो कई बातें हैं और मैं क्या बताऊं। देखिए जैसा कि ललित साहब के हिस्से वो गीत आया, आप बहुत खुशकिस्मत हुए ललित साहब, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, बहुत खुशकिस्मत हैं आप, क्योंकि वो जो अल्ट्रा मॉडर्न सॉन्ग है वो। लेकिन अगर हम जरा पीछे जाएं, बड़े मियां दीवाने ऐसे ना बनो, रेशम पहनो कपास क्यों, सीधा साधा लिबास क्यों, रेशम पहनो कपास क्यों, फनी ये जादूगरी का है, अरमा तुझको परी का है। आप सुनिए जरा सा, क्या रेंडरिंग में गलती हो गई है कि साउंड में गलती हो गई है कि ये राज बहुत बाद में पता लगा। तो कबला मारो मंत्र डैंडी बनकर, डैंडी डी ए एन डी वाई, डैंडी का मतलब होता है अल्ट्रा मॉडर्न। तो कबला मारो मंत्र डैंडी बनकर निकलो वक्ते शाम। ये शायरी कर रहे हैं कि हमारे जख्मों को सहला रहे हैं, दिल के फफोले फोड़ रहे हैं। बॉम्बे के बारे में मजरूह साहब से ज्यादा अल्टीमेट सॉन्ग किसने लिखा है, ए दिल मुश्किल है जीना यहाँ, बेघर को आवारा यहाँ कहते हंस हंस, गले काटे खुद सबके कहे इसको बिजनेस, एक चीज कहे के इनाम यहाँ, जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान। कितनी बातें हैं। बस एक छोटी सी बात, विजय अकेला जी ने 3 गीतकारों की किताबें तैयार की हैं, 2 का नाम तो जावेद साहब ने ले दिया, 1 का छोड़ दिया, वो जानिसार अख्तर साहब हैं, आनंद बख्शी, जानिसार अख्तर और मजरूह सुल्तान, तीनों हमने छापे हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है। Soul, Shabana Azmi live to
really know all the answers from our living legend, Javed Akhtar Saab, Shabana Azmi ma'am, or Hamare legends. So ladies and gentlemen, to begin with, हम शुरू करना चाहेंगे विद अ वेरी यंग एंड टैलेंटेड जो हमारे बहुत ही डायनामिक पोएट हैं. वेल, इनका नाम है उन्स विजय अकेला. मैं आपका तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी. नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उन्स विजय अकेला और आज आप सभी के सामने मैं मजनू सुल्तानपुरी की एक नज़्म पेश करता हूँ. बने हो एक खाक से तो दूर क्या खरीद क्या, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, वही है जान वही है तन, कहां तलब छुपाओगे, पहन के रेशमी लिबास तुम बदल ना जाओगे, वही है जान वही है तन, कहां तलब छुपाओगे, पहन के रेशमी लिबास तुम बदल ना जाओगे, कि एक जात है सभी तो बात है अजीब क्या, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या. Let's welcome Anupama and Sunaina. Thank you. Good evening to all of you. Right from जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, तू रहते थे कभी जिनके दिल में. From काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए, तू चांद फिर निकला मगर तुम ना आए. I think there's no color of emotion or depth of emotion that Majroo Saab has left untouched through his songs. And congratulations to Vijay Ji. Thank you so much for asking me to sing the most memorable song penned by Majroo Saab. Thank you.
मेरा भैया मंडर न्यूज चैनल आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए भैया।